जी सलामकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे पास एशियन कंटेंट का एपिसोड 5 और बड़ा ही मजेदार जो है वो एपिसोड है। और इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं कि एशियन कंटेंट ने, ये आपके सामने जो खुली हुई है, पिछले लास्ट 6 मंथ्स की अर्निंग है और उसने 1,55,000 डॉलर जो बनाएंगे। आरपीएम जो ये बताता है कि कंटेंट एशियन है या प्रीमियम है, मैं इसको आपको मैं फेब के महीने की दिखा देता हूँ। डॉलर्स दिखाना बड़ा जरूरी होता है ताकि आप स्टार्ट में बड़े मोटिवेटेड हो जाएं और आप इसी तरह किसी भी कंटेंट के ऊपर काम कर सके। अगर मैं फेब्रुअरी की बात करूं तो फेब में इसने बनाए हैं, अगर मैं इसको अपडेट करूं तो यहाँ पे हमारे सामने फेब में इसने बनाए हैं 17,000 डॉलर। अगर मैं पिछले महीने जनवरी की बात करूं 16 फेब तक 17,000 डॉलर, अगर मैं इसकी जनवरी की बात करूं तो जनवरी के महीने में इसने तकरीबन बनाए हैं आपके सामने 24,000 डॉलर। अच्छा, एशियन कंटेंट वो कंटेंट होता है जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह की कंट्रीज में चल सके। और ये जो आरपीएम है, जैसे ये 0.27, तो ये एशियन कंट्री का आरपीएम है। और प्रीमियम में हमारे पास आरपीएम 1 डॉलर के आसपास रहता है। आरपीएम होता क्या है, हम बात कर चुके हैं, रेट पर माइल। फेसबुक आपको इतने व्यूज के कितने पैसे जो पे कर रहा है। उसके बाद अभी हम 2022 की अर्निंग देख लेते हैं कि इसने 2022 में एशियन कंटेंट ने कितने पैसे बनाए। अच्छा, इसको हम यहाँ पे 31 दिसंबर से लेके बैकवर्ड जाते हैं, 31 दिसंबर 2022 से लेके 1 जनवरी 2022 पे जाते हैं और देखते हैं जनवरी के महीने में कितने पैसे बनाए। तो यहाँ पे अगर हम इसको जाके अपडेट करें तो यहाँ पे इसने बनाए हैं 259,146 डॉलर। और ये इसको मैं रिफ्रेश करके भी आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि ये अर्निंग जो है वो बिल्कुल रियल है और फेसबुक से इतना पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा, कि हमारे पास आ गया लास्ट 7 डेज की अर्निंग। और अगर मैं इसको खोल के आपको कल की अर्निंग दिखाऊं 15 फरवरी की, तो 15 फरवरी की हमारे पास जो अर्निंग आती है वो हमारे पास आ रही है 1,192 डॉलर। उसके बाद में 14 फरवरी के अगर चला जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ये अर्निंग 1,310 डॉलर। ऐसे में डेली की अर्निंग जो है वो दिखा सकता हूँ। अगर 2023 की बात करूं कि 2023 में इसने अभी 45 दिनों में कितने बनाया है, तो यहाँ पे इसने हमारे सामने 41,000 डॉलर की बना चुका है। और मैं अभी स्क्रॉल करके आपको कंटेंट भी दिखाता हूँ कि कंटेंट कौन सा है और इसके ऊपर भी बात भी करते हैं एशियन कंटेंट से कैसे पैसे जो है वो कमाए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टॉप वीडियो जो है वो मैं खोल लेता हूँ। टॉप वीडियो खोलने के बाद मैं नीचे जाके इसकी इनसाइट्स में जाके आपको टॉप कंट्री भी दिखा देता हूँ कि टॉप कंट्री कौन सी है। और यहाँ पे टॉप कंट्रीज पाकिस्तान ही रहता है, बांग्लादेश ही रहता है, इंडिया ही रहता है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कंट्री में टॉप कंट्री जो है वो हमारे पास पाकिस्तान आ रही है कि इसमें सबसे ज्यादा व्यूज जो है वो पाकिस्तान से है। तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल कंटेंट्स है एशियन के अंदर और उनसे कैसे पैसा कमाना है उसके ऊपर अभी बात करते हैं, तो आए सीखते हैं। अच्छा, तो एशियन कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जो कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा चले। और एशियन कंटेंट के अंदर काफी कैटेगरीज हैं, हम उनको कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है न्यूज और करंट अफेयर्स की कैटेगरी जो कि सबसे ज्यादा चलती है एशियन कंट्रीज के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मूवीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। बॉलीवुड मूवीज होगी, तमिल मूवीज होगी, इंडिया की मूवीज होगी, पाकिस्तानी मूवीज होगी, बहुत ज़्यादा चलती हैं। इसमें हम ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल को ले के चलेंगे, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर हमारी एक डेडिकेटेड क्लास आगे आने वाली है जिससे आप जो है वो समझ जाओगे कि फेसबुक के ऊपर ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम कैसे हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रियलिटी शोज। रियलिटी शोज के ऊपर काम करना भी बड़ा आसान है, लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं। और रियलिटी शोज हर सैटरडे संडे नए एपिसोड आते हैं और नए एपिसोड जब लोग लगाते हैं तो उससे ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाते हैं प्रैंक्स। प्रैंक्स जो है वो भी इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। टॉक शोज आ जाते हैं, टॉक से भी आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। फिर कॉमेडी शोज आ जाते हैं, कॉमेडी शो से भी आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पे हमारे पास ये टीम व्यूअर के ऊपर ये एक पेज खुला हुआ है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। अच्छा, मैं भाई आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोग काम करके इतने पैसे जो वो कमा रहे हैं। हम पेआउट्स वाली क्लास में जाके इन सब के पेआउट्स को भी देखेंगे, आप टेंशन ना लें। हम इसकी यस्टरडे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यस्टरडे इस पेज ने बनाया है 646 डॉलर। अब 646 डॉलर को जब आप PKR में करते हो तो ये 1,70,180 बनता है। अच्छा, हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं अर्निंग आई कहाँ से। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें पता चलता है जी ये एक मूवी लगी हुई है, साउथ की सुपरहिट मूवी लगी हुई है। और इस सुपरहिट मूवी ने जो है वो यहाँ पे 6.8 मिलियन व्यूज किए हैं, जिसमें से 3.2 मिलियन जो है 1 मिनट व्यू आए हैं। और इसने 647 डॉलर जो है वो किए हैं। और अगर हम यहाँ पे आपके सामने 647 डॉलर, 2.2 मिलियन इसके ऊपर जो है वो एड इंप्रेशन चले हैं। और अगर हम इसकी टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप कंट्री हमारे पास ये इंडिया की है। इसको मैं बैक करता हूँ, आपके सामने ये पेज का नाम भी आ रहा है, आप इसको भले सर्च करके देख लें, जो भी कर लें आप जो है वो देख सकते हैं कि इनके ऊपर एड्स भी चल रहे होंगे, इनके ऊपर पैसे भी बन रहे होंगे। और ऐसे लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें लगा के भी ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं। तो हम पॉइंट के ऊपर आते हैं कि एशियन कंटेंट के ऊपर काम होता कैसे और इसके ऊपर कैसे काम करते हैं।
अच्छा सबसे हॉट टॉपिक जो है वो न्यूज़ का है, करंट अफेयर्स का। न्यूज़ करंट अफेयर्स एक बहुत मज़े का टॉपिक है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपके मुल्क में, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे बांग्लादेश में रहते हैं, रोज़ ना रोज़ कोई न्यू चीज़ होती है जो कि ट्रेंडिंग पे चल रही होती है और उस ट्रेंडिंग वाली चीज़ के ऊपर आपको शेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वो कंटेंट खुद का क्रिएट करके या यूट्यूब से उठा के उस कंटेंट को फेसबुक के ऊपर लगाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऐसे वायरल हो जाए और लोग न्यूज़ और करंट अफेयर्स के ऊपर इतना पैसा बना रहे हैं। अभी जो हमने पहले जो अर्निंग्स देखी वो सारी न्यूज़ और करंट अफेयर्स के ऊपर थी और वो ओरिजिनल पेजेस थे, उसके ऊपर हमारी अपनी टीम्स जो है वो काम कर रही हैं और पैसे बना रही हैं। उसके बाद मूवीज़ के ऊपर काम करना बड़ा आसान है। हम जो है वो मूवीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि मार्केट में ठीक ठाक काम कर रहे हैं उनको जो है वो हमने इस कोर्स के अंदर बुलाना है ताकि आप उनसे सीख सको कि आप मूवीज से जो है वो कैसे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद रियलिटी शोज़ की आगे इसी के अंदर हमारी आगे टीम की आगे डेडिकेटेड क्लास है, फिर प्रैंक्स है, फिर टॉक शोज़ है, फिर कॉमेडी शोज़ है। तो ये सारा चक्कर है एशियन कंटेंट से पैसे कमाने का। अब आगे जो है वो टीम आपको क्लास देगी, उसके अंदर आप देखोगे कैसे एडिटिंग होती है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जी। तो अगर आप हमारी फ्री ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी फ्री ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए, किसी भी किस्म की, हमारा डिजीवर्स का ऑफिशियल फाइवर के ऊपर ट्रस्टेड अकाउंट बन गया, आप स्कैम से बच जाते हैं। आप सारी सर्विसेज वॉच टाइम की, फॉलोअर्स की, आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फाइवर के ऊपर डिजीवर्स के ऑफिशियल के अकाउंट को देख सकते हो और वहां से जाके कोई भी सर्विस आपको चाहिए आप। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोगों की फेसबुक सीरीज की एपिसोड 6 है जिसमें हम लोग एशियन कंटेंट या इंडियन कंटेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इंडियन कंटेंट को ही एशियन कंटेंट कहा जाता है और वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली ये जो कंटेंट है जो जिस पे हम आज काम करेंगे, बात करेंगे और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ये कंटेंट बेसिकली एशियन कंट्रीज में देखा जाता है जिन कंट्रीज में उर्दू और हिंदी समझी जाती है। अब इन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है, इनमें पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है और बांग्लादेश आ जाता है। और बेसिकली ये कंटेंट हम लोग इंडिया से लेते हैं और इंडिया में ज़्यादातर इस टाइप का कंटेंट बनता है जो लोग बहुत शौक से देखते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं और पाकिस्तान का कंटेंट इतना चलता भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको इंडियन कंटेंट कहते हैं। इंडियन कंटेंट जिसको हम लोग एशियन कंटेंट भी कहते हैं, यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो बेसिकली अब इंडियन कंटेंट की भी आगे कुछ सब कैटेगरीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं रियलिटी शोज, उसके बाद टॉक शोज, कॉमेडी शोज, मूवीज, इंडियन मूवीज और प्रैंक्स। जी तो बेसिकली जो रियलिटी शोज वगैरह होते हैं इनमें किस टाइप के शोज आते हैं, हम लोग अब इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रियलिटी शोज में जो शोज आते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि जिसमें लोग आते हैं और बारी बारी अपना टैलेंट दिखाते हैं, या तो वो मतलब किसी चीज़ पे क्लाइंब अप कर रहे होते हैं, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, कोई डांसिंग कर रहा होता है और जजेस उनको फिर रेट करते हैं और अवाम इस चीज़ को बहुत पसंद करती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टॉक शोज पे। टॉक शोज में क्या होता है कि एक बंदा बैठा होता है और दूसरा बंदा उससे बैठ के बात कर रहा होता है, दूसरा बंदा उससे बैठ के बात कर रहा होता है और इसमें आ जाता है जिस तरह KBC वगैरह आ जाता है। उसके बाद कॉमेडी शो आ जाता है। कॉमेडी शोज में सबसे बड़ा कॉमेडी शो है कपिल शर्मा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ कपिल शर्मा पे काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। उनका काम क्या, उन्होंने बस सुबह उठ के कपिल शर्मा की वीडियोज़ लगानी शुरू कर देनी है और इससे भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और कपिल शर्मा और ये वो इस टाइप के कॉमेडी शोज़ में आ जाते हैं। मूवीज़ में इंडियन मूवीज़ आ जाती हैं और प्रैंक्स में प्रैंकस्टर्स आ जाते हैं जिनकी हम लोग वीडियोस उठा के अपने पेजेस वगैरह पे लगा के वॉच टाइम वगैरह इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो आए अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों की वीडियो की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए और हमने वीडियो एक्सपायर कितने टाइम में करनी है। इंडियन कंटेंट बेसिकली इसलिए भी ज़्यादा चलता है और इसमें इसलिए ज़्यादा पोटेंशियल है कि जब हम लोग प्रीमियम कंटेंट में बात करते हैं तो वही, जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती तो वही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है और आवाम थक जाती है कि कंटेंट देख के, जबकि इंडियन कंटेंट में ऐसा नहीं है। इंडियन कंटेंट में ये होता है कि आपको हर वीकेंड न्यू शोज़ आते हैं और आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है और आवाम भी क्यूरियस होती है हर वीकेंड नए शोज़ देखने के लिए।
और इसके अलावा ये भी है कि इंडियन कंटेंट, इंडिया में आबादी ही बहुत है तो आधे से ज़्यादा व्यूज़ तो इंडिया से ही गेन अप हो जाते हैं, दूसरी कंट्री से क्या होने। तो इंडियन कंटेंट में अच्छा खासा पोटेंशियल है और इससे हमारी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। उसके अलावा इसके रेंटेड ग्रुप्स वगैरह हर चीज़ पेजेस और मतलब इजीली हर चीज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इंडियन कंटेंट जो हम लगाते हैं इसकी वीडियो टाइमिंग होनी चाहिए, मतलब वीडियो ड्यूरेशन इसकी होनी चाहिए। फेसबुक 3 मिनिमम 3 मिनट की वीडियो को ज़्यादा वो करता है, ज़्यादा सॉरी मिनिमम फेसबुक मिनिमम 3 मिनट की वीडियो को मोनेटाइज करता है। और फेसबुक का एल्गोरिथम है कि वो 8 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक की वीडियो को ज़्यादा रिकमेंडेशन में भेजता है। समटाइम्स 6-7 मिनट की भी वीडियो चली जाती है लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपनी वीडियो की ड्यूरेशन 8 मिनट से लेके 15 या 20 मिनट तक रखें। हम लोग 15 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों ने अपनी वीडियो कितने दिनों में एक्सपायर करनी है हम ये भी देख लेते हैं। बेसिकली प्रीमियम कंटेंट वगैरह में क्या होता है, हम अपनी वीडियो लगी रहने देते हैं जिससे उसके आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ गेन अप होते रहते हैं और हमारी अर्निंग डेवलप होती रहती है। लेकिन हम लोग इंडियन कंटेंट में क्या करते हैं, 2 से 3 दिन में अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं। कुछ कुछ शोज में ज़्यादा स्ट्राइक का खतरा होता है उनमें हम लोग जल्दी डिलीट कर देते हैं और कुछ में इतना नहीं होता तो वो हम 2 से 3 दिन भी अपनी वीडियो चला लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो हम अपनी वीडियो बेसिकली 48 to 72 आवर्स तक रख सकते हैं, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं आता। और दूसरा ये कि हम अपनी वीडियो की एडिटिंग ही ऐसे करते हैं जिससे स्ट्राइक का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता। और जैसे हमारी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं हम अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि जो हमारी अर्निंग होती है वो हमारे इनसाइट्स में ऐड हो गई होती है तो इसलिए फिर हमें कोई किस्म का प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रियलिटी शोज, टॉक शोज़ और कॉमेडी शोज़ वगैरह हमने कहाँ से लेने हैं और इनकी एडिटिंग किस टाइप की होती है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जी, तो ये इंडियन वेबसाइट है और इस पे सारे ड्रामे, सारे टॉक शोज, रियलिटी शोज वगैरह हर चीज़ यहाँ से आ जाती है और हम लोग यहीं से अपनी चीज़ें एपिसोड्स वगैरह डाउनलोड करके एडिट करते हैं। ये मैं वेबसाइट यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। ये यहाँ पे सारे बिग बॉस, कपिल शर्मा, आपको सारे टीवी ड्रामे और ये वो मिल जाते हैं ईजिली और यहाँ से हम लोग डाउनलोड करके आराम से अपने एडिटर में काम कर सकते हैं। अब इतना टाइम तो नहीं होता कि हम लोग लाइव ही वो डाउनलोड भी करें और उसको करें, तो मेरे पास कुछ डाउनलोडेड वीडियोस पड़ी हैं तो उनमें से हम एक पे काम करके देख लेते हैं। ये देखिए मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है और इसको हम लोग एडिट करके देख लेते हैं कि हमने इसका फ्रेम कैसे सेट करना है, इसकी स्पीड कितनी रखनी है और क्या हम लोग अपनी वीडियो में चेंजेस कर सकते हैं और इजीली हम इसको फिर अपलोड भी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये सीन पसंद आया, सबसे पहले हम अपनी वीडियो में पूरी वीडियो में से हम लोग कभी भी पूरी पूरी वीडियो जैसे घंटे घंटे के शोज हम उठा के कभी भी नहीं लगाते, हम पूरी एपिसोड देखते हैं जो सबसे मज़े के क्लिप्स लगते हैं जो हमें खुद पसंद आते हैं हम वो लगाते हैं और आवाम भी वही पसंद करती है। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी पूरी वीडियो में से सबसे पहले एक जो सबसे मज़े का पार्ट है जिससे इंसान को क्यूरियोसिटी है वो हम हुक बना के लगा लेते हैं और हुक लगाने के बाद हम लोग क्या कहते हैं आगे दूसरे सीन शुरू कर देते हैं। हुक देखने से क्या होता है कि जो अगला बंदा व्यूअर देख रहा होता है वो क्यूरियस होता है कि ये पूरी वीडियो में सीन कहाँ पे आएगा और फिर वो उस सीन को देखने के लिए ही पूरी वीडियो एंड तक देख लेता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों की वीडियो का हुक सबसे पहले मज़े का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इतना टाइम नहीं कि पूरी वीडियो देखें, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये हुक पसंद आया है और मैं ये हुक लगाना चाहती हूँ, यहाँ से मैं अपना हुक स्टार्ट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अपना अब हुक एंड करना है और 3-4 सेकेंड हो गए हैं और ये क्यूरियस सीन है, इसको मैं उठा के नीचे ले आऊँगी। उसके बाद फिर अब हम लोग अपने दूसरे क्लिप्स वगैरह, अपने जो अच्छे अच्छे सीन हम लोग को 5-5-6-6 मिनट का लग रहा है हम वो लगाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से अपना सीन स्टार्ट करना है, ये फिर से मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी, 5-6 सेकेंड बाद मैं अपना ब्रैकेट बंद कर दूँगी, 5-6 मिनट बाद सॉरी, और उसको भी उठा के मैं नीचे ले आऊँगी। उसके बाद फिर हम अपना अगला सीन करेंगे। मिनिमम वीडियो हमारी वीडियो की 8 मिनट्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 से 16 होनी चाहिए, 15 से 20 सॉरी, और 15 भी इनफ होता है, 15 या 17 मिनट से आगे हमारी अगर वीडियो एक्सीड कर जाती है तो वो रिकमेंडेशन में एसएच नहीं जाती और इतनी कोई देखता भी नहीं है एंड तक। तो अब हम लोग अपने अगला सीन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से सीन उठाना है, इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 5-6 मिनट बाद हम इसको बंद कर देंगे, इसको भी हम उठा के नीचे ले आएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी हो गई है। तो हमारी राउंड अबाउट 7 मिनट हमारी वीडियो हो गई है, और अभी हम एक और सीन इसमें से लगा लेते हैं 2 से 3 मिनट का, ताकि ये थोड़ी हो जाए। अभी मैं रैंडमली अपने सीन सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने अच्छे अच्छे सेलेक्ट करने हैं, और वीडियो हमेशा वही अच्छी होती है जो आप लोग खुद भी अपनी वीडियो देख सकें। ठीक है, ये हमारी वीडियो जी तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या चेंजेस करते हैं कि इस पर स्ट्राइक वगैरह ना आए। सबसे पहले हम अपनी वीडियो का फ्रेम चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं मेंशन भी कर दूंगी। हम 1.1 इंस्टाग्राम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पे जो हम लोगों की वीडियो की वो होती है, जो प्रीव्यू होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन फेसबुक पे जो हमारा होता है वो होता है वर्टिकल। तो हम लोग अपनी वीडियो को वर्टिकल में रखेंगे और ज़्यादा वर्टिकल वीडियो को ही यूट्यूब रिकमेंडेशन में डालता है। उसके बाद फिर हम लोग अब इसमें ये जो साइड पे ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं देती वीडियो पे, तो हम अपना ये फ्रेम फिट कर लेंगे ताकि वो ब्लैक वाला बॉर्डर ना नज़र आए। और क्योंकि अगर हम लोग खुद भी फेसबुक यूज़ करते हैं तो हम लोग वही करते हैं, वही वीडियो देखते हैं जो अच्छी हमें लग रही हो, प्रीव्यू में अच्छी हो, उसकी एडिटिंग वगैरह अच्छी हो। हम कभी भी मतलब इस तरह गंदे पिक्सल्स फटे हुए इस टाइप की वीडियो हम लोग देखनी प्रेफर नहीं करते खुद भी। Crop to fit. उसके बाद हम अपनी वीडियो की स्पीड चेंज करेंगे। स्पीड चेंज करने के लिए मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कंट्रोल आर, और ये मैंने अपनी वीडियो की स्पीड कर दी है 1.10। ये बाकी सारे वीडियोस की भी हम लोग कर देते हैं स्पीड चेंज। जी ऐसे ही हम लोग अपने सारे सीन्स वगैरह की स्पीड चेंज करेंगे। स्पीड चेंज करने के बाद हम लोग इस पर लगाएंगे ऑडियो फिल्टर। ऑडियो फिल्टर में हम लोग पिच सिलेक्ट करेंगे 1, और ऑडियो फिल्टर हम लोग लगाएंगे क्लासिक। ये सारे सीन्स में हम ये कर देंगे, अभी इतना टाइम नहीं है कि एक एक जाके करें, तो हमारी ये वीडियो तैयार हो जाएगी और इसको हम यहाँ से कोई भी नाम सेव करके जिससे हमें याद रहे कि वीडियो इस नाम से हम लोग सेव कर लेंगे। सेटिंग्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारी बिट रेट है वो 6000 होना चाहिए, ये अच्छा होता है और इससे मतलब ना ज़्यादा स्टोरेज लिया जाता है और ओवरऑल अच्छा रहता है। तो इसको हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो डेट्स हाउ ये हमारी वीडियो बन जाती है। और इसको जब हम अपनी फेसबुक पे लगाते हैं और ये अच्छी एडिटिंग हुई हो तो इससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मूवीज़ की। इंडियन मूवीज़ पे क्या होता है, हम इंडियन मूवीज़ पे कभी भी इतनी मेहनत नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि कुछ मूवीज़ फेसबुक पे चल जाती हैं और कुछ मूवीज़ नहीं चलती। तो हम लोग हर मूवी उठा के डाउनलोड करके उसको लगाने की ट्राई नहीं करते, क्योंकि 2-2 घंटे की मूवी डाउनलोड करना और फिर उसमें से सीन्स लगाना और उसकी फिर थोड़ी हैवी एडिटिंग करना, तो ये ईजी नहीं होता हर चीज़ में।
और हर बंदे के लिए आसान ही होता है और डीमोटिवेट कम होता है कि आप इतना टाइम लगा के एक वीडियो डाउनलोड कर रहे हो और उसके बाद फिर उस पर स्ट्राइक आ रही है, तो इससे बहुत डीमोटिवेशन वाला काम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं मूवीज़ पे काम करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग फेसबुक पे देख रहे हैं। जैसे रोबोट मूवी बहुत चली थी, लोगों ने ऐसे काम किया, एक आधे बंदे ने वो मूवी ट्राई की और सो ऑन उसके ही डिफरेंट सीन्स वगैरह लगते रहे। और इस तरह और भी बहुत मूवीज़ हैं जो फेसबुक पे चल रही हैं, कुछ मूवीज़ हैं जो फेसबुक पे नहीं चल रही। तो बस इसी तरह हम लोग मूवीज़ पे काम करते हैं, मूवीज़ पे हम इतनी मेहनत नहीं करते। और बाकी प्रैंक्स वगैरह में ये होता है कि प्रैंक्स में जो इंडियन प्रैंकस्टर्स हैं जो छोटे हैं उनके, मतलब बहुत फेमस, हम लोग प्रैंक वीडियोस नहीं उठाते क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदे का नाम इतना चल रहा है तो वो यूट्यूब पे लगा रहा है तो वो फेसबुक पे पेज पे भी अपने लगा ही रहा होगा। तो हम उन प्रैंकस्टर्स की वीडियोस उठाते हैं जो इतने फेमस नहीं है लेकिन उनका काम अच्छा है और वो वीडियोस वगैरह लगा के हम अपना वॉच टाइम वगैरह ईजिली कम्प्लीट कर सकते हैं। तो आई गेस दैट्स अबाउट आवर टुडेज क्लास, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।